नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद उनकी बड़ी बहू डिम्पल यादव अब इस विरासत को संभालती हुई दिखाई दे रही है। 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाके को डिम्पल यादव ने हरा दिया, लेकिन रामपुर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। रामपुर में बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने यहां पर सपा के उम्मीदवार आसिम रजा को हरा दिया, और वहीं खतौली में रालौद चुनाव जीतती हुई नजर आई। अब देखा जाए तो आगामी नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, और ये नगर निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव के लिए यहां पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर अब आमने सामने कई छोटे छोटे दल भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं बड़ी बड़ी पार्टियां तो यहां पर एक दूसरे पर हमला बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। नगर निकाय चुनाव में ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कंधों पर जिम्मेदारियां ले ली है और अब वह टिकट बांटने में व्यस्त नजर आ रही है। इसी बीच देखा जाए तो यहां पर अपना दल से महिला नेता, सपा से विधायक, सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल भी मैदान में है, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी बहन अनुप्रिया पटेल भी मैदान में उतरी हुई हैं। अपना दल जो दो गुटों में बटा हुआ है, और ऐसे में देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। दोनों ही बहनों में जीत किसकी होगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी देना चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट्स की तरफ। दोनों ही बहनें किस तरीके से कहती हुई नजर आई है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टियां। दरअसल आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कह दिया, तो वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुई, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं का उन्होंने उत्साह बढ़ाया और कहा नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जमकर करें, पार्टी की तरफ से टिकट केवल पार्टी के कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा, नगर निकाय चुनाव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। और इस मौके पर गंगापार जिला अध्यक्ष भानु प्रताप पटेल, जिला मीडिया प्रभारी धर्मराज पटेल बागी के साथ साथ राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला स्तर के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए यहां पर अपना दल से कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी पटेल के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी, ये लोकसभा चुनाव का पूर्व अभ्यास है, कार्यकर्ता अभी से कमर कस लें। और भाजपा सरकार संविधान के अनुच्छेद को बारी बारी से खत्म कर रही है, गरीब और अमीर के बीच की खाई की ओर बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अपना दल कमेरावादी मजबूत पार्टी है, और इस तरह से उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आत्मसम्मान से जीने के लिए हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी, सरकारें आपको कुछ नहीं देंगी, और यहां पर एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाना है और आगे जाना होगा। यानी कि पल्लवी पटेल यहां पर बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, और केंद्र सरकार से राज्य मंत्री हैं खुद अनुप्रिया पटेल। दोनों ही बहनें आमने सामने हैं, एक है सपा की तरफ तो एक है बीजेपी की तरफ। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।